ये घोड़ा आगे क्यों नहीं जा रहा है? लगता है इसे किसी आने वाले खतरे का आसार नजर आ रहा है। पर मैं मजबूर हूं आजाद, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। रुक जाओ शहजादे, अपनी मौत की तरफ कदम मत बढ़ाओ। ये रास्ता हर शख्स के लिए मौत का दरवाजा है। ये मस्तिष्क कलंदर इस मौत के दरवाजे में तुम्हें अंदर कदम नहीं रखने देगा। मेरे रास्ते से हट जाइए कलंदर बाबा, क्योंकि इसी मौत के दरवाजे से मुझे अपनी मंजिल की ओर कदम रखना है। अल्लाह, इस रास्ते से वाकिफ नहीं हो शहजादे। ये रास्ता है कोहे काफ का, जिस रास्ते की मंजिल सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। कलंदर बाबा, अगर हजारों मौतों को भी शिकस्त देकर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा तो भी मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। इस वक्त मेरी मंजिल सिर्फ एक है और वो है कोहे काफ। तब तो तुम कोहे काफ के बारे में कुछ नहीं जानते शहजादे, कुछ नहीं जानते कि कोहे काफ क्या है, कैसी दुनिया है, कुछ नहीं जानते तुम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कलंदर बाबा, वो सवाल जो अब तक सैकड़ों बेगुनाह शहजादों की जान ले चुका है, उस सवाल का जवाब मैं इसी कोहे काफ की सरजमी से हासिल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें शहजादे, कुछ नहीं मिलेगा, फक्त एक खौफनाक मौत के सिवा। तू पागल है, तू दीवाना है शहजादे। अरे कोहे काफ जिस सरजमी का नाम है वो एक तिलस्माती दुनिया है, जहाँ कदम कदम पर खूंखार दरिंदे अपने पंजे फैलाए इंसानी गोश्त नोचने की ताक में बैठे रहते हैं। ये बाबा कितने ही बेगुनाह लोगों की खबरें अपने इन हाथों से बना चुका है। कहीं ऐसा ना हो शहजादे कि यहाँ से कहीं दूर तेरी कब्र भी मुझे अपने हाथों से बनानी पड़े। मैं अपनी जान का सदका देकर उन हजारों गर्दनों की हिफाजत करना चाहता हूँ जो शहजादी मेहर अंगेज की तलवार से करती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह, तो मैं अब समझा तुम्हारे जुनून का मकसद, तो तुम भी उस जालिम शहजादी मेहरंगेज के जुल्म का शिकार हो। हाँ कलंदर बाबा, मैं भी उसी शहजादी के जुल्म का शिकार हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे वालिद, मेरे भाई और मेरा सारा मुल्क उसके जुल्म का शिकार है। किस मुल्क के शहजादे हो? मुल्क हिंदुस्तान। क्या मुल्क हिंदुस्तान के शहजादे? फिर तुर्किस्तान की तरफ से आने का मतलब? कलंदर बाबा, सैकड़ों शहजादों की तरह मेरे भाई भी शहजादी के सवालों में फंसकर अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। दो को पहले भी हलाक कर चुकी है और एक भाई अभी भी उसकी कैद में है। यानी कि हिंदुस्तानी शहजादे उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन तुर्किस्तान में मुझे उसके राज का पता चल गया है। उसके सवालों का जवाब कोहे काफ में मौजूद है, इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। तुम्हारा वहां जिंदा पहुंचना नामुमकिन सी बात है शहजादे। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है बाबा। मौत उस वक्त तक मुझ पर जीत हासिल नहीं कर सकती जब तक कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, और उस मगरूर शहजादी मेहर अंगेज के सवालों का जवाब देकर इस खूनी सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता, और इसके लिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है बाबा। अल्लाह अल्लाह, तुम वहां जरूर जाओगे शहजादे, जरूर जाओगे,
क्योंकि मस्त शाह कलंदर ने उस रास्ते पर गुजरने वाले शहजादों में वो हौसला नहीं देखा जो हौसला तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम रेगिस्तान की तपती जमीन पर ठोकर मार दो तो पानी का चश्मा उभर आएगा। जाओ जाओ शहजादे, उस मेहरंगेज के सवाल का जवाब ला कर दो। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, जाओ अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटोगे। जाओ शहजादे। मेरी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ठहरो शहजादे। क्या बात है बाबा? शहजादे, मैं ये ताबीज तुम्हारे बाजू पर बांधना चाहता हूँ। इस ताबीज में मेरी तमाम जिंदगी की इबादत शामिल है। ये ताबीज हर तिलस्मी ताकत से तुम्हारी हिफाजत करेगा। जो भी शैतानी ताकत तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, ताबीज की बरकत से नस्तो नाबूद हो जाएगी। ये बाबरकत ताबीज कोहे काफ तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। और एक बात याद रखना शहजादे, जालिमों को कभी मुआफ मत करना, वो रहम के काबिल नहीं होते। लेकिन किसी लाचार और मजबूर पे जुल्म मत करना, बेसहारा बूढ़ों की मदद करना, समझो हर मुसीबत से गुजर जाओगे। और ये ताबीज अपने आप से अलग मत करना शहजादे। बाबा, आपका दिया हुआ ये ताबीज एक पल के लिए भी मेरी बाजू से अलग नहीं होगा। जाओ शहजादे जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। अल्लाह हू अल्लाह हू। अजीब तिलिस्मी जगह है जहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। लगता है सनवर से मिलने के लिए ऐसी कई मौत की मंजिलों को पार करना पड़ेगा। शहजादे! अरे कलंदर बाबा, आप? हाँ, हमने तुमसे कहा था ना कि कोहकाफ एक ऐसी जगह है जहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, लगता है सनोवर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपने आप में हौसला रखो शहजादे, सनोवर तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे। हम जानते थे कि तिलस्मी ताकतें तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगी, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ा। इस वक्त यहाँ आकर मेरी हिफाजत करने का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया अदा करके कलंदर बाबा को शर्मिंदा ना करो। ये तो हमारा फर्ज है। हम उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे जब तक तुम सनोवर के पास नहीं पहुंच जाते। इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा बाबा। अल्लाह अल्लाह, सनोवर के पास जाने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दूंगा जिस ताबीज से जितनी तिलस्मी ताकतें हैं जो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगी जलकर खाक हो जाएंगी। ये ताबीज मुझे दे दो और मेरे तिलस्मी अमल का ये ताबीज तुम अपने बाजू पर बांध लो। हाँ ये मुझे दे दो। हाँ तुम ये ले लो। कोई तो मेरी मदद करो, आज बरसों से मैं यहाँ पड़ी हूँ, कोई मुझे इस मुश्किल से निकालने वाला नहीं है। आगे मत बढ़ो शहजादा, कहीं ये बूढ़ी औरत कोई बला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊँ। रुको मत शहजादे, आगे बढ़ो। खुदा के बंदो, कोई तो इस बूढ़ी पे रहम खाओ। लेकिन किसी लाचार और मजबूर पर जुल्म मत करना, बेसहारा बूढ़ों की मदद करना, समझो हर मुसीबत से बचकर गुजर जाओगे। कोई तो मेरी मदद करो, खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करेगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, हो सकता है ये कोई बेसहारा बूढ़ी औरत हो, और फिर मुझे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे पास तो बाबा का ताबीज है ना, और वैसे भी बाबा ने कहा था कि बूढ़े और बेसहारा लोगों की मदद करना, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह के बंदे, कुछ तो मेरी मदद करो, खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करेगा, मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल से निकालो। ये क्या करिश्मा है? हैरान ना हो शहजादे, मैं एक देवजात परी हूँ। तुमने मुझे इस मुसीबत से निकाल के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और अब मैं तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगी। कहो क्या चाहते हो? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे। मत पूछो शहजादे कि मुझ पर क्या गुजरी है, ये मुझे मेरे गुनाह की सजा दी गई थी। गुनाह की सजा? कैसा गुनाह? मोहब्बत का गुनाह। मोहब्बत? हाँ शहजादे, मैं भूल से एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि हम परियों को इंसानों से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। मेरी ये सजा उसी इंसान से मोहब्बत करने का नतीजा थी। मोहब्बत की सजा? मैं कुछ समझा नहीं परी। जब मेरे देवजात कबीले वालों को पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ, तो उन्होंने मेरा ये हुस्न छीन कर मुझे एक बुढ़िया बना दिया और मुझे इस वीराने में छोड़ गए। जब तुम्हें बूढ़ा बना दिया गया था तो अचानक तुम जवान कैसे हो गई? मुझे एक फकीर बाबा ने दुआ दी थी कि जब यहाँ से गुजरने वाला कोई शहजादा मुझे हाथ लगाएगा तो मेरा हुस्न वापस आ जाएगा और मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। मैं बरसों से इस अंधेरे में पड़ी थी, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। आज तुमने मुझे मेरी जवानी लौटाकर मुझ पे जो एहसान किया है, उस एहसान के बदले में तुम मुझसे जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। बोलो क्या चाहते हो? परी, मैं कोहेकाफ जाना चाहता हूँ। कोहेकाफ? नहीं शहजादे नहीं, मैं तुम्हें हरगिज वहाँ नहीं जाने दूंगी। वही तो मेरी मंजिल है परी, वही जाने के लिए तो मैं हजारों मील लंबा सफर तय करके आ रहा हूँ। शहजादे, ये वो रास्ता है जहाँ सिर्फ मौत ही मौत है। मौत के कई पड़ाव पार कर चुका हूँ परी। एक पड़ाव और बाकी है जिसे अगर तुमने पार कर लिया तो शायद कोहेकाफ तक पहुंच सको। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है परी। ठहरो, मैं तुम्हें कोहेकाफ तक अकेले नहीं जाने दूंगी।
अब वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाया है, तो अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। आओ मेरे साथ। सरदार, सरदार, क्या बात है? कोई खास चीज नजर आई है तुम्हें? हाँ सरदार, हाँ, कोई अजनबी हमारी सड़क की तरफ बढ़ रहा है। अजनबी? हाँ सरदार, और उस अजनबी के साथ एक लड़की भी है। तुम यहीं कहीं पास में छुप जाओ और देखो कि कौन है वो। जी सरदार। तुम्हारी मंजिल आ गई शहजादे, ये रही कोहे काफ की सड़क। यहाँ तुम्हें अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, तुम मौत के सारे पड़ाव पार कर चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया परी। ये तो कोई परी मालूम होती है, तो फिर ये एक इंसान के साथ क्या कर रही है? कोई ना कोई राज जरूर है, पता लगाना पड़ेगा ये लोग यहाँ किस मकसद से आए। मेरा काम खत्म हुआ शहजादे, अब मुझे जाने की इजाजत दो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती परी, तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारी जान को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। इंसान कितना अच्छा होता है, काश मैं भी इंसान होती तो कितना अच्छा होता। खुदा हाफिज शहजादे, खुदा हाफिज। सुनिए, आप कोई काफ के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं यही कोयकाब का रहने वाला हूँ। आपकी तारीफ, कौन है आप? मैं एक सौदागर हूँ और हिंदुस्तान से यहाँ आया हूँ। हिंदुस्तान से? जी हाँ, मैंने कोयकाब और कोयकाब के लोगों के बारे में काफी तारीफ सुनी है। कोयकाब के लोगों के बारे में तारीफ? किस तरह की तारीफ? यही कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खास तौर से बादशाह सनोबर। सनोबर? सनोबर के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। जी बहुत कुछ, और मेरे यहाँ आने का खास मकसद ही सनोबर से मिलना है। क्या? आप सनोबर से मिलने के लिए यहाँ आए हैं?